शुरुआत से हारमोनियम कैसे बजाते हैं, यानी कि जो लोग जीरो से हारमोनियम जो लाते हैं संगीत सीखने के लिए, और हारमोनियम को लेकर जो है उनको पता नहीं कि संगीत की शुरुआत हम कहाँ से करें, किस तरीके से संगीत की शुरुआत की जाती है और कैसे करें। तो इस वीडियो में हमने बहुत बारीकी तरीके से चर्चा की है कि शुरुआत में अगर आप हारमोनियम लाते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ पहले हमको सबसे पहले हारमोनियम पर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत बारीकी तरीके से इस चीज़ को मैंने बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, कोई बिटिया पढ़ी लिखी हो थोड़ा और थोड़ा संगीत में थोड़ा बहुत अगर वो जानती है तो वो हमसे संपर्क करे, उसे हम बहुत अच्छी तरीके से उसका चैनल बनवाएंगे और उसके वीडियो शेयर करेंगे अपने चैनल पर, उसे मौका देंगे बताएं गुरुजी कि हम आपके चैनल पर ये वीडियो देखा, उसमें बताया आपने। तो कोई हो तो हमें संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो है सीखने वाली जो है बेटियाँ जो है वो है, तो उनको भी वो सिखा सकती है। ऐसा कोई हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें, नंबर दिया गया है। तो आज ये शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमको करना क्या होता है जब हम नई हारमोनियम या नई सबसे पहले संगीत में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सा का रिहाज हमें, अब स्केल देखिए दो तरीके का संगीत होता है, एक तो संगीत हमारा ये होता है कि क्लासिकल संगीत और एक अपना देहाती होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम देहात में कोई चीज़ जैसे गाते हैं या कुछ करते हैं तो वो हम इस काली से यानी यहाँ से तीव्र सुर में यानी तेज आवाज में उस चीज़ को करते हैं, और जब वहीं पर हम अपने क्लासिकल की बात करें तो फिर यहाँ से सी शार्प से ज़्यादातर यूज करते हैं। फिर आप किसी भी स्केल से, इसमें जितनी भी आपको बटन दिख रही है, जो भी बटन दिख रही है वो इसमें से सा ही है, आपको जो भी बटन दिखाई पड़ रही है वो एक सा है, चाहे आप किसी को भी पकड़ लीजिए जिसके आपको इच्छा है पकड़ने की, वो एक सा ही है, जहाँ से आपकी आवाज़ मिल जाए, जहाँ से आपकी आवाज़ मैच कर जाए वो एक सा ही कहा जाता है, माना जाता है, वो सा ही होता है। तो फटाफट अपन जो है अब सीखते हैं इसको, देखते हैं। तो आवाज पहले हमें सा की आवाज मिलानी होती है, जैसे हारमोनियम की और हमारी आवाज एक हो जाए, हारमोनियम की और हमारी आवाज जो है वो एक हो जाए, एक तरीके से हमारी बिल्कुल एक आवाज लगे। एग्जाम्पल फोर के लिए जैसे हारमोनियम की और आपकी एक आवाज हो जाए, आवाज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, आवाज आपकी सेम आवाज रहे दोनों, चाहे हारमोनियम पर देखें चाहे वैसे देखें। अब एक ही आवाज आपको लगेगी, आवाज चेंज रहे, और उसी तरीके से एक सुर की बात नहीं करेंगे हम, जैसे अब दूसरा सुर आ गया तो सा के बाद में रे आता है, तो रे की भी आवाज हमारी सेम होनी चाहिए, अब सा पर भी आवाज मिल रही है, रे पर भी मिल रही है, अब आपको ये कंप्लीट हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आवाज हमारी दोनों सुरों पर मिलने लगी है। अब ये पहला स्टेप बता रहे हैं, दोनों सुरों पर आवाज मिलने लगी, ये चीज पहला ध्यान रखिएगा। जैसे हमने सा पर आवाज मिलाई, रे पर आवाज मिलाई, एग्जाम्पल फोर एक बार फिर देखिए, है ना, तो कंप्लीटली दोनों सुरों पर आवाज एकदम से मैच कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से मैच। अभी आपका 100% ये आपको कंफर्म हो जाए कि हमारी दोनों सुरों पर आवाज अब मैच करने लगी है। जब तक एक सुर पर मैच ना करे तब तक दूसरे सुर को हमें छूना नहीं चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। जब हमारे दूसरे सुर पर आवाज मैच होने लगे तब हमें अपना तीसरा सुर देखना चाहिए। जब हम एक सुर को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम दूसरा सुर देखेंगे, और जब दूसरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम तीसरा सुर देखेंगे, सीधी लॉजिक सी बात है कि ये कंप्लीट करेंगे दूसरा। अब जैसे हमने रे को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, रे को आप कंप्लीट हो गया, तो अब हम बात करेंगे गा की, तो गा पर देखेंगे, ये हमारा गा है, ठीक है, इसे शुद्ध गा बोलते हैं। या आप कोई अलाप ले सकते हैं, अगर आप रे गाना बोले तो कोई अलाप भी ले सकते हैं, अभी कोई जरूरी नहीं, आप चाहे तो अलाप भी ले सकते हैं इसे। Thank you.
फिर हमारा फिर माँ की आवाज आती है। आप ये जरूरी नहीं कि आप सारे गामा ही कहे, आप चाहे तो उस पर आलाप भी कर सकते हैं, आलाप चाहे तो आलाप भी कर सकते हैं, जैसे एक आवाज आपकी मिलेगी, बिल्कुल एक एक आवाज हो जाएगी। उसके बाद देन धा, सॉरी मित्रों साथ नहीं थोड़ा सा ठीक है, हम क्षमा कर दें। ठीक है, इन हमें सातों स्वरों पर आवाज हमारी मैच हो जाए। एग्जाम्पल फोर के लिए आपके सातों स्वरों पर जैसे आपकी आवाज मैच हो गई, अब जब सातों स्वरों पर आवाज मैच हो जाएगी तो इसके देन इसके आगे हमको क्या करना है, फिर हमको कुछ अलंकार, जिससे अलंकार से हमारी उंगलियों की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। बेसिक अलंकार होते हैं, वो बेसिक अलंकार होते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर वो उस पर गूगल पर सर्च करेंगे तो बेसिक अलंकार आपको मिल जाएंगे, जैसे ये वाले हमको जरूर कपड़े से हमारी उंगलियों की स्पीड बढ़ जाती है। ये बेसिक अलग है, सारे गा मा पा रे गा मा पा गा मा पा गा नी मा पा गा नी सा सानी धा, देखो सानी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा मा मा गा री मा गा री सानी गा मा पा री गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सानी धा पा, देखो सानी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा री मा गा री सा। ये बहुत सिंपल अलंकार होते हैं, तो स्थाई जब हम शुरुआत करते हैं हारमोनियम पर बाजे पर तो ये अलंकार शुरुआती दौर में हमें यूज करने पड़ते हैं, जिससे हमारी उंगलियों की स्पीड बढ़ जाती है और हम कोई अच्छा म्यूजिक गाएं या कुछ भी संगीत जब भजन वगैरह कुछ स्टार्ट करें तो इस चीज पर हम अपना फोकस करके कर सकते हैं। तो इतना आप करिएगा कम्प्लीट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे हम आपको और इससे अच्छे वीडियो आप लोगों को शुरुआती दौर, जो लोग शुरुआती में हारमोनियम सीख रहे हैं उन्हें और अच्छे अच्छे वीडियो हम दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।